मधुमक्खी का छत्ता घर में दिख जाए तो चुंगा लेके तैयार बैठे हो, बिल्कुल जलाए बिल्कुल। ये भी जीव है, पर ये जीव कैसे है? तो ये जीव है खोटी किस्मत वाले। भोगस्य कर्मम तदभूत युक्ताम, जिन्होंने खोटे कर्म किए उनको खोटा शरीर प्राप्त हो गया, इसीलिए कभी उनको यश प्राप्त होता नहीं है। अच्छा, मधुमक्खी का शहद सबको प्रिय है कि नहीं? सबको प्रिय, वो तो दवा है, औषधि है, पर मधुमक्खी प्रिय नहीं किसी को। शहद सबको प्रिय है, और जो शहद को उगलती है थूकती है वो किसी को प्रिय नहीं है। अच्छा, आप में से 90% लोगों को तो यही पता नहीं है कि शहद बनता कैसे है, खाली खा रहे हैं। मक्खी का जो थूक होता है उसको शहद कहते हैं। भवनम क्रियान बधु मधुबुस्तम, अथर्वेद में लिखा हुआ है, क्योंकि अथर्वेद आयुर्वेद का वेद है, उसमें लिखा है कि मधुमक्खी जो भवन करती है वो मधु बनता है। मध माने अमृत, उल्टी, और उसे खाकर हम स्वस्थ हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं महाराज। और वही मधुमक्खी जो उल्टी करती है, वही अगर चोंच मार दे, डंक मार दे, तो फिर आपको पता ही है रात रात में 3 किलो को है जाए गाल, इतनी जल्दी असर करे महाराज। वो भी भगवान नहीं बनाई है, पर प्रयोग अच्छे हैं। वो खुद अच्छी नहीं है पर उसकी क्रिया अच्छी है। और ऐसे सांप है, बिच्छू है, चींटी चींटा है, मधुमक्खियां हैं, ऐसे ही एक और बुरी चीज है जिसे हम मकड़ी कहते हैं, मकड़ी, वो भी भगवान ने बनाई है। और हिरण भी भगवान ने बनाया है। अच्छा, हिरण सबसे ज्यादा प्रिय किस देवता को था? सीता माता। हिरण माता लक्ष्मी को प्रिय है, इसलिए जिनको भी घर में लक्ष्मी का वास करना है, जिनको धन संपत्ति घर में चाहिए, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है महाराज बहुत कमाते हैं पर टिकता ना है घर में, टिकता ना है घर में। तो जिनके घर में बहुत आता है पर टिकता नहीं है, उनको हिरण का पालक सेवा में रखना है। हिरण पाल लो, लक्ष्मी आ जाती है, धन रुकने लग जाता है। हिरण को भोजन कराओ, लक्ष्मी का वास है हिरण में, गौ माता में लक्ष्मी का वास है। यानी ये दो जीव ऐसे हैं, ये भूखे मर सकते हैं पर कभी भी किसी गंदी वस्तु को खा सकते नहीं, मांस नहीं खा सकते ही। बस गंदी वस्तु मतलब मांस है। अच्छा, तुम सबके घर में जो है लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दोष है। अब उस दोष की निवृत्ति कैसे होगी? तो अब भगवान के धाम को हम ढूंढेंगे तब दोष की निवृत्ति भी हो जाएगी।